गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो अभी अभी मेरा ब्रेकफास्ट हुआ है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन क्लीनिंग पे। दिस इज़ सैटरडे मॉर्निंग और मैं इसको थोड़ा सा यू नो नॉट डीप क्लीन एग्जैक्टली बट थोड़ा सा डीप क्लीन करूँगी। तो बस ब्रेकफास्ट हो गया है, सिंक में बर्तन भरे हुए हैं और मैं फटाफट ये सब झाड़ पोछ के यू नो साफ़ करके रख रही हूँ। गैस को मैं जूने से यू नो साबुन लगा के साफ़ कर रही हूँ। तो ये मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, मैं दो दिन में तीन दिन में एक बार करती हूँ। और इसको भी मैंने अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर दिया है। थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता है, दो खाना वाना नहीं गिरता है बट फिर भी थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सोप से साफ़ किया है। बर्तन भी बहुत सारे ही हो गए हैं बिकॉज़ रात को मैं ज़्यादा धो नहीं पाती हूँ, यू नो मीटिंग वगैरह होती है, कॉल वगैरह होती है, तो उसकी वजह से मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। जो झूठन होती है वो मैं धो देती हूँ पानी से और ऐसे ही छोड़ देती हूँ बर्तन। तो सुबह धो रही हूँ, ये रात के भी बर्तन हैं। पहले मैं बड़े बड़े बर्तन धो लेती हूँ, कुकर धो के रख दिया, बड़ा वाला पतीला धो के रख दिया, और फिर उसके बाद धोती हूँ जो कांच के होते हैं और जो क्रॉकरी होती है, तो इनको धो के मैं साइड में पहले रख देती हूँ और उसके बाद जो छोटे बर्तन हैं ये धो लेती हूँ। उसके बाद सिंक को साफ़ करती हूँ क्योंकि झूठे बर्तन, मजे हुए बर्तन झूठे सिंक में नहीं रखती हूँ। तो बस ये मैंने बर्तन भी धो लिए। इनको ड्राई करने के लिए मैं एक ऐसे ही बास्केट में छोड़ दूंगी। तो बस किचन साफ हो गया और मैं सामान उसकी रिस्पेक्टिव जगह पर रख रही हूँ। और ये है थोड़ी सी कसूरी मेथी जो ऑलमोस्ट सूख चुकी है, इसको भर के रखना है। बेडरूम मैंने झाड़ पोछ ऑलरेडी कर दी थी तो बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से साफ कर रही हूँ। और ये इसमें है गर्म पानी क्योंकि मैं रात को पीती हूँ, तो इसलिए बेड के बाजू में ही रख लेती हूँ। और ये बर्तन सूख चुके हैं, मैं इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ फिर से एक बार सुखा के। और ये मैंने मेथी यू नो मार्केट से ला के तोड़ के रखी हुई थी, ये करीब 1.5 किलो मेथी थी, तो शायद किलो या 1.25 किलो ही रह गई होगी क्योंकि हम सिर्फ लीव्स को तोड़ते हैं, मतलब मैं सिर्फ लीव्स को तोड़ती हूँ, स्टेम्स को एकदम अलग कर देती हूँ। और इसको मैं सुखाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कसूरी मेथी बनानी है। इसको मैं धूप में ड्राई करूँगी, आप चाहो तो माइक्रोवेव के अंदर भी ड्राई कर सकते हो। और मैं इसको पूरे साल यूज़ करने वाली हूँ, कभी आलू फ्राई करेंगे या किसी भी मसाले में आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा स्मेल और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सब काम होने के बाद मैंने नहा लिया और ये मैं गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि नहा के थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड टाइप हो जाता है, तो गर्म पानी ऑलवेज हेल्प्स। और दूध भी गर्म हो गया है, बस इसको मैं बंद कर देती हूँ और अपना पानी को धीरे धीरे सिप कर करके यू नो पी रही हूँ। दूध को हटा के मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, लंच का टाइम है। तो ये है आलू बीन्स जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखी है और बाथू का आटा भी लगा लिया है। ये है चावल के आटे की रोटी जिसको भाकरे भी बोलते हैं, ये मैंने मॉम से बनवाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप कभी खा के देखना। ये यू नो आलू और बीन्स थोड़े से कम लग रहे थे मुझे, थोड़े कम पड़ जाते, इसलिए मैंने दाल और मूली की भुजिया बना ली है। तो इधर मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने पैन में और एक छोटा सा ड्रॉप मैंने यू नो लहसुन का डाल के देखा कि तेल गर्म हुआ है या नहीं,
शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इसमें। तो ये गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी दो लाल मिर्च ड्राइड वाली, और डालूंगी थोड़ी सी हींग, और इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा 8-10 क्लोव लहसुन के डालूंगी, जो मैंने बहुत फाइन चॉप कर लिया है। और ये इस भुजिया की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपसे। और फिर इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर जिसमें हींग मिर्च और ये लहसुन डाला है, इसी के अंदर मैं जो भुजिया है वो डालूंगी। काली उड़द की दाल है और मूली है जिसको मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। तो बस लहसुन ब्राउन हो गया है, रेडिश ब्राउन, और इसके अंदर मैं ये भुजिया डाल रही हूँ। और इसको तब तक चलाऊंगी, तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका पानी जो है वो टोटली इवेपोरेट ना हो जाए, एकदम सूख जानी चाहिए। इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, बिकॉज सिर्फ मोटी वाली मिर्च डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं, लाल मिर्च वैसे भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, थोड़ी सी डाली है बस। और इसको मैं अच्छे से उलट पलट के अच्छे से एकदम ड्राई हो जानी चाहिए। बस तो सब्जी हो गई, उसको मैंने हटा दिया, और उसी कढ़ाई के अंदर, उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन प्याज डाल के अपना ये जो बीन्स और आलू है इसको भी छौंका लगा लिया है। ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, लाइक आई सेड ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, और एक चुटकी गर्म मसाला, घर में बना हुआ मसाला। अगर मैं ये मसाला यूज़ करती हूँ तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं होती, स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होती है इसकी, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो बस इसको भी थोड़ी देर अच्छे से चलाऊंगी जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और सब्जी होने के बाद मैं फटाफट ये जो ग्रीन वाले पराठे हैं, बाथू के पराठे हैं, इसके अंदर अजवाइन नमक ऑलरेडी है, तो वो मैं सेक लूँगी। और पराठों को ना पहले सेक लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद में उसके ऊपर घी या तेल जो भी लगाना होता है वो लगाती हूँ। ऐसे पराठे बनते तो बहुत अच्छे वाले क्रिस्पी हैं, फूल भी जाते हैं, तो उसको अच्छे से दबा दबा के एकदम कड़क सेक लूँगी। क्रिस्पी होगा उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा, आप इसको ऐसे भी अचार के साथ खा सकते हो, इसमें लगे से अजवाइन और नमक तो ऑलरेडी है। तो बस पराठा हो गया, पहली प्लेट ऑब्वियसली जाएगी गन्नू जी को। साइड में ही मैंने अपनी भाकरी भी कड़क कर ली है, इसको आप जितना कड़क करोगे उतना टेस्टी लगेगी, उतना ही क्रिस्पी और एकदम कड़क बहुत मस्त लगती है। कुछ लोग सॉफ्ट खाना खाना पसंद करते हैं, बट मुझे बहुत हार्ड चाहिए, इतना कड़क होती है कि ऊपर का जो पैलेट होता है, टंग वाला पैलेट ऊपर वाला, वो छिल जाता है, बट वंस इन अ वाइल खाते हैं तो चलता है, मज़ा आता है। तो मेरी पराठा, मेरा जो भाकरी है वो हो गई है कड़क, और इसके ऊपर मैं रखूँगी चटनी और थोड़ा सा घी, और इसको धूप में बैठ के ऊपर छत पे खाऊंगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।